तो आज से शुरुआत हो रही है वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023 की और भाई साहब कुछ अच्छी खासी गेम प्लेज होने वाली है, जिसमें शुरुआत ही करते हैं हम मैन सिंगल्स से। मैन सिंगल्स में पहली खतरनाक सी एक मैच होने वाली है जो है कोडाई नाराओका उनके सामने होंगे, एंथोनी सिजुका, गेंटिंग। और भाई गेंटिंग कुछ टाइम से देख रहा है कि जो पर्सनल इश्यूज थोड़े बहुत हुए थे उनकी लाइफ में वो भाई डिस्कस करने जैसी चीज़ें नहीं है ऑफकोर्स, तो वो उसकी वजह से मुझे लग रहा है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कि थोड़ा बहुत उनका गेम प्ले डिस्टर्ब हुआ जरूर है। बट स्टिल एंथोनी ऐसे हैं जो प्लेयर्स कभी भी कुछ भी करके वो टॉप में आ ही जाते हैं। उनके सामने है कोडाई नाराओका जिनका 2023 ईयर बहुत ही बढ़िया गया है। देखते हैं कि कोडाई नाराओका जीतते हैं या एंथोनी सिजुका गेटिंग। सुबह आपको दोपहर को 3:20 के आसपास या फिर 3:30 के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ये मैच देखने मिल जाएगी। चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कोडाई नाराओका की वो इजी तरीके से एंथोनी सिजुका गेटिंग को हरा दे। सेकंड मैन सिंगल्स की बहुत ही एक बढ़िया मैच होने वाली है जो है ऑफकोर्स कुनलावत विटिटसन, उनके सामने है जोनाथन क्रिस्टी। इसके चांसेस मुझे बहुत ही कम लगते हैं कि जोनाथन क्रिस्टी एक सेट कर सकेंगे कुनलावत विटिटसन के सामने, क्योंकि कुनलावत जब भी जैसे कुछ बड़ी टूर्नामेंट्स आती है जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत ही अच्छे तरीके से वो जीत गए, ऐसी टूर्नामेंट्स जब बहुत ही बड़ा एक स्टेज होता है तब कुनलावत इजी तरीके से वो जीत ही जाते हैं, कुछ भी करके फाइनल में पहुंच जाते हैं। जोनाथन देखते हैं एक दो साल से उनका गेम प्ले, कभी जीत जाते हैं कभी एकदम राउंड ऑफ 32 में ही हार जाते हैं, तो देखते हैं वो जीतते हैं कि नहीं जीतते। बात करें वुमेन सिंगल्स की तो उसके अंदर ताई जुइंग के सामने होने वाली है जो ग्रेगोरिया तुनजुंग। तुनजुंग ने भाई लास्ट मंथ जो बहुत सारे अपसेट्स करके एक पूरी टूर्नामेंट जीत ली थी, तो ताई जुइंग के सामने मैच है। ताई जुइंग भी एक ऐसी प्लेयर है जो टॉप क्लास स्टेज जब भी आता है जैसे वर्ल्ड टूर फाइनल्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, ऐसे ऐसे ओलंपिक्स, बड़ी बड़ी जो स्टेजेस आते हैं उसमें अच्छा खासा वो गेम प्ले अपना दिखाती है। ये मैच आपको इन दोनों के बीच में सुबह 8:20 के आसपास देखने मिल जाएगी। चांसेस मुझे ज्यादा ताई जुइंग के लग रहे हैं, बट ग्रेगोरिया को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो अपसेट करने में बहुत ज्यादा माहिर। एक ऐसी वुमन सिंगल्स प्लेयर जिनको बहुत ही ज्यादा हेट लास्ट एक दो मंथ्स में मिला है, भाई बोल नहीं सकते उतना ज्यादा उनको हेट मिला है। ऑफकोर्स जो चीज हुई थी उसके बाद हेट मिलना बोल सकते हैं कि एक उसके साथ ही आता है बाय थ्रू चीज है, वो है कैरोलिना मरीन जो पीवी सिंधु के साथ चीज हुई थी। तो उनकी मैच है जेंग बेवन के सामने, ये मैच आपको दोपहर को 2:30 के आसपास देखने मिल जाएगी। चांसेस ऐसे ही है कि कैरोलिना मरीन हमेशा जैसे ओलंपिक्स और बड़े स्टेजेस है कुछ भी करके वो सेमीज या फाइनल्स तो पहुंची जाती है, तो इस बार भी इजी तरीके से वो पहुंच जाने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस डबल्स की, तो उसके अंदर लियांग वांग उनके सामने होंगे। लियू और ओ भाई दोनों प्लेयर्स बहुत ही टॉप क्लास गेम प्ले दिखा रहे हैं। सुबह 9:10 के आसपास ये मैच आपको देखने मिल जाएगी। एक प्रॉपर मेंस डबल्स मैच कैसी होती है, कैसे गेम प्ले को रोटेट करते हैं, कैसी प्रॉपर मैच होती है मेंस डबल्स की, ये देखनी हो तो ये मैच बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी। सेकंड मेंस डबल्स मैच है जो मेरे फेवरेट है, एस्टर और रस्मुसन जिनके सामने होंगे कैंग और सीओ। इजी तरीके से ये मैच 11:00 आपको देखने मिल जाएगी। एस्टर और रस्मुसन आपको बोल सकते हैं कि एक बैट लगा सकते हो कि ये ईयर 2023 उन्हीं का है, वो इजी तरीके से पहुंचने वाले सेमीज या फिर फाइनल्स। बात करें वुमेन्स डबल्स की तो उसके अंदर बहुत ही एक बढ़िया सी मैच होने वाली है जो है मत्सुयामा शीडा, उनके सामने होनेंगी किते थरकुल और प्रजोंग जोई। ये मैच आपको सुबह 8:20 के आसपास देखने मिल जाएगी। मत्सुयामा शीडा एक अच्छे खासे गेम प्ले में 2023 और 2022 इनका अच्छा खासा ईयर रहा है। चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं मत्सुयामा लोगों के जीतने के, बट किते थरकुल लोग भी भाई एक अच्छा खासा अपसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वुमेन्स डबल्स मैच जो देखने में बहुत ही ज्यादा आपको भी अगर इंटरेस्ट हो वुमेन्स डबल्स के अंदर तो वो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाली है जो है मत्सुमोटो नागाहारा जिनके सामने होंगी राहायु और रमदंती। ये मैच आपको सुबह 11:00 के आसपास देखने मिल जाएगी। राहायु और रमदंती एक अच्छी खासी एक प्रॉपर वुमेन्स डबल्स प्लेयर्स हैं जिनको हराना भाई बहुत ज्यादा टफ रहता है। देखते हैं मत्सुमोटो नागाहारा कौन सा उनके सामने गेम प्ले लेके आते हैं। फाइनली बात करें मिक्स डबल्स की तो जिसके अंदर जेंग और हुआंग जिनके सामने होंगे टैंग टीएसई। लास्ट 4-5 मंथ में कितनी बार ये लोग एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, हर बार या तो जेंग लोग जीतते हैं या फिर टैंग लोग जीतते हैं, भाई टैंग टीएसई लोग हैं वो लोग जीतते हैं। तो चांसेस इस बार भी लगा कुछ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट मुझे अगर प्रेडिक्ट करना हो तो ऐसे बिग स्टेजेस होते हैं जिसके अंदर जेंग और हुआंग बहुत अच्छे से जीत जाते हैं, तो 2:30 के आसपास ये मैच आपको देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट मिक्स डबल्स पेयर है वतनाबे हिगाशिनो जिनके सामने होंगे पुआवा और तायरा। ऑफकोर्स मेरे फेवरेट है वतनाबे हिगाशिनो। ये मैच आपको शाम को 4:10 के आसपास देखने मिल जाएगी। चांसेस मुझे इसमें बहुत ज्यादा लग रहे हैं वतनाबे हिगाशिनो के, क्योंकि पुआवा लोग इस साल का जो फर्स्ट हाफ है 6 मंथ उसके अंदर जितनी भी मैचेस है उसके अंदर ये लोग ऐसे लग रहे थे कि इनको कोई भी हरा नहीं सकता है, बट लास्ट जो अभी ये ईयर खत्म होने आया है लास्ट 4-5 मंथ्स में पुआवा और तैरल हो गए उनका गेम प्ले भाई ऐसा लग रहा है कि यार उनका गेम प्ले कुछ और ही था पूरे स्टार्टिंग के मंथ्स में, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा हारे जा रहे हैं। बट स्टिल बोल सकते हैं कि वतनाबे हिगाशिनो अच्छा खासा गेम प्ले उनके सामने रखेंगे और चांसेस है वो जीत भी सकते हैं। ये मैच 4:10 में आपको देखने मिल जाए। कौन सी मैच के लिए आप एक्साइटेड हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और कौन सी मैचेस के बारे में आप एनालिसिस और सारे वीडियोस देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, उसको मैं लाइव भी रिएक्ट कर सकता हूं, तो चीजें आप कमेंट में लिख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।